पुलिस और एसएसपी जम्मू की तरफ से आज की प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, आप सबका स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता एक रिकवरी जो कि मोटर व्हीकल थेफ्ट से रिलेटेड है, कंसिडरेबल नंबर में हमने चुराई गई गाड़ियां रिकवर की हैं इन साउथ जोन, बोथ इन सब डिवीज़न ईस्ट ऑफ जम्मू एंड सब डिवीज़न साउथ ऑफ जम्मू। उसके रिलेटेड है, मैं आपके माध्यम से कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा, जिससे जो हमारी व्हीकल थेफ्ट है, इसकी चोरी में कुछ हद तक लोगों के, जो हमारे नागरिक हैं, उनके सहयोग से उसमें कमी लाई जा सके। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है 25 अक्टूबर 2024 को एक रिटन कंप्लेन लॉज करते हैं प्रीतम सिंह कि उनकी एक स्कूटी जिसका नंबर JK08E4106 है, वो चोरी हो गई है और इसके चलते एक FIR नंबर 268 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 3032 BNS बाहू फोर्ट पुलिस स्टेशन, जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है और उसके चलते स्पेशल टीम्स हेडेड बाय SDPO ईस्ट SHO बाहू फोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और उसके चलते एक मेजर किंग पिन जिसका नाम धीरज सिंह है, सन ऑफ दीपक सिंह RO कांजी हाउस गुम्मट, इसको अरेस्ट किया जाता है और उसके डिस्क्लोजर पे काफ़ी मात्रा में टू व्हीलर्स जो कि जम्मू सिटी से चुराए गए थे वो रिकवर किए जाते हैं। इसके साथ ही जो और हमारे पुलिस स्टेशन्स हैं जम्मू साउथ जोन के, बी इट गांधीनगर, गंग्याल, बागे बहु, चन्नी हिम्मत, सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी टीम्स पुलिस स्टेशन लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे, इवन चौकी लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं और उसके चलते कंसंट्रेटेड एफर्ट्स और जो हमारा डाटा बैंक अवेलेबल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जम्मू पुलिस ने 4 फ्रंटियर ऑपरेशन चलाए हैं टू डील विद 4 टाइप ऑफ मेजर क्राइम्स इन जम्मू। उसमें से जो एक मेजर क्राइम है वो है व्हीकल थेफ्ट का और इसको डील करने के लिए ऑपरेशन अवतार, दैट इज एंटी व्हीकल थेफ्ट एंड रिकवरी, ये इसका कोड नेम हमने दिया है और चारों ऑपरेशंस में चारों जोनल SPs जम्मू के वो इंचार्ज हैं, हेड हैं और जो ऑपरेशन अवतार है इसका हेड SP साउथ है। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों का अगर हम डाटा उठाएं तो हर साल तकरीबन 400 गाड़ियां चोरी होती हैं जम्मू सिटी से, लेकिन ऑपरेशन अवतार जब से लॉन्च हुआ, इस साल स्टार्टिंग मार्च में हमने इसको लॉन्च किया था, फरवरी में हमने इसको कंसीव किया, कंसोलिडेट करना शुरू किया, इस ऑपरेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जितना भी डाटा अवेलेबल है ऑफ ऑल द थीव्स, मोटर व्हीकल थीव्स, उसको हमने उसके ऊपर वर्क किया, जिनके खिलाफ FIRs लगी हैं उनको बार बार बुला के हमारे जो बीट लेवल पुलिसिंग है, अगर कोई चोर खोड़ एरिया से उठ के बागे बहु एरिया के अंदर आके चोरी कर रहा है तो उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन इस थाने तक महदूद थी, वो एक डाटा बैंक जो कि सेंट्रल डाटा बैंक ऑपरेशन अवतार के तहत SP साउथ के ऑफिस में था, उसकी इंफॉर्मेशन शीट या उसकी सारी इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड विद द कंसर्न
SHO, be it Jhajjar Kotli, be it Khod, be it any other police station of Jammu. इस सारी कार्रवाई के चलते आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी जो मोटर व्हीकल थेफ्ट है उसके अंदर अबाउट 40% की रिडक्शन हुई और इस साल तक अभी तक 288 FIRs ही लगी हैं। इसके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जम्मू पुलिस ने 288 में से 91 व्हीकल्स वापस रिकवर करके लोगों तक पहुंचाई भी हैं। इसके अलावा भी कुछ व्हीकल्स रिकवर हुई हैं जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स के पर्टेनिंग है। ये 91 जो रिकवरीज हुई हैं ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही हुई हैं आउट ऑफ 288। नाउ कमिंग बैक टू दिस, जो हमारा धीरज सिंह की बात है, मैं इसका मॉडल सुप्रेंडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता था। यहाँ पे स्ट्रेस देने की बात है कि धीरज सिंह इज ए ड्रग एडिक्ट ऑल्सो। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि अगर कोई स्कूटी मोटरसाइकिल इनको पार्किंग लॉट से बाहर कहीं पे दिखती है या ऐसे एरियाज में दिखती है जहाँ पे CCTV कैमराज की कवरेज नहीं है तो दे यूज टू लिफ्ट एट एन अपॉर्चुन टाइम, देख के यहाँ पे कोई इनको कोई देख नहीं रहा जहाँ इनकी ऑब्जर्वेंस में नहीं है और वो स्कूटी या मोटरसाइकिल उठा के लेके जाके प्राइमरली जो अभी तक डिस्क्लोजर हुआ है वो ये है कि बड़ी ब्राह्मणा एरिया में इन्हें स्पेसिफिक लोकेलिटी दे यूज टू सेल इट एंड सेल इट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट। लेट से 2000 रुपये में एक स्कूटी आपने बेच दी और उसी का आपने कंजप्शन के लिए वहां से ड्रग चिट्टा जो है वो उठा लिया। दिस इज व्हाट हैज कम टू फोर इन द इन्वेस्टिगेशन सो फार। इसके साथ चलते दो चोर और जो हैं वो पुलिस स्टेशन गंग्याल ने भी अरेस्ट किए हैं। साथ ही साथ आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि दो ट्रक, बड़े जो ट्रक्स हैं, एक ट्रक की कल हमारे पास FIR लॉज हुई कि एक ट्रक नरवाल से कल चोरी कर लिया गया। अगेन द टीम हेडेड बाय STPO ईस्ट SHO बाहूफोर्ट चौकी अफसर नरवाल दे स्वंग इन टू एक्शन एंड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वी कुड रिकवर दैट ट्रक ऑल्सो। मैं उसका डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। FIR नंबर 291 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 303(2) ऑफ BNS और ट्रक का नंबर है JK02AH3711। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक सीज की हुई व्हीकल जो कि वो लेके आ रहे थे उसको सैनिक कॉलोनी एरिया से रात को चोरी कर लिया गया। आज मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी साझा करना चाहूँगा कि अगेन एक स्मॉल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हेडेड बाय STPO ईस्ट SHO छन्नी हिम्मत चौकी अफसर चाटा और चौकी अफसर सैनिक कॉलोनी। वी हैव रिकवर्ड दैट ट्रक ऑल्सो और उस ट्रक की जो FIR लॉज हुई है वो FIR नंबर 144/24 अंडर सेक्शन 132/303(2) एंड अदर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ बिसाइड्स द 26 फॉरेस्ट एक्ट भी उस पर लगा था। वो ट्रक भी हमने रिकवर कर लिया है। जो रिकवरीज आप देख रहे हैं पीछे, ये आज हमने 20 व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स टोटल रिकवर किए हैं जिसकी वैल्यू 1,25,00,000 से ज्यादा है। हम आपके माध्यम से जम्मू जनता को यह अश्योर करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सदैव आपके लिए, आपके साथ, आपकी जान माल की हिफाजत के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा तैयार है और
हम कोई भी अपनी एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके चलते ही मेरी एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है जम्मू की जनता से, जो हमने मोडस ऑपरेंडी अभी अनर्थ किया, इसके चलते आप कभी भी अपने व्हीकल को कुछ पैसे पार्किंग के सेव करने के लिए, आप उसको एक ऐसे एरिया में पार्क कर देते हैं और वहां से वो व्हीकल चोरी हो जाता है। कृपया आप ऐसा ना कीजिए। फिर नंबर दो, जितनी भी गाड़ियां ये चोरी हुई उसमें से कुछ 50% ऑफ देम जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये पता चला कि जो चालक था गाड़ी का, उसने चाबी अपने साथ में ही रखी। कई जगह तो चाबी भी नहीं, मतलब इंजन ऑफ भी नहीं किया। आप ऐसी चीज ना करें। घर के अंदर ऐसा हो रहा है कि आप अपने व्हीकल को घर के अंदर स्पेस होते हुए भी गली के अंदर आप अपनी गाड़ी पार कर रहे हैं। नुकसान उसके दो हैं। एक, पब्लिक स्पेस को आप एनक्रोच कर रहे हैं। सेकेंडली, यू आर मेकिंग योर प्रॉपर्टी वल्नरेबल टू बी स्टोलन। कृपया करके अपने व्हीकल्स जो हैं आप उसको प्रॉपरली सिक्योर करके अपने गैरेज में, अपनी चार दीवारी के अंदर लगाएं। नंबर चार, ये मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जब भी आप, जहां तक पॉसिबल हो सके, आजकल एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म डिवाइसेस ऐसी आई हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस आई हैं। अगर आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 15 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 10 लाख की गाड़ी ली है, 1 लाख रुपए की आपने बाइक ली है, जो 2 लाख रुपए की बाइक ली है, तो अगर आप स्पेयर कर सकें, आजकल छोटी छोटी ट्रैकिंग डिवाइसेस आई हैं जो कि 1,000-2,000 रुपए में अवेलेबल है। आप प्लीज मेक यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। नंबर पांच, आप यहां तक हो सके अपनी गाड़ी को, अगर आपको कहीं पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो सिक्योर प्लेस के ऊपर आप उसको पार्क कीजिए। अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना है, अंदर जाना है, स्कूल क्लास में जाना है, कुछ ऐसा करना है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो प्लीज टेल योर एम्प्लॉयर टू हैव द सिक्योरिटी गार्ड प्लेस्ड फ्रॉम दैट एंड, जो आपकी, आप 6 घंटे 8 घंटे के लिए जब अपना कार्य कर रहे हैं, तो समबडी शुड टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग योर मोटर व्हीकल। नंबर छह, जहां तक हो सके सीसीटीवी कैमरा की कवरेज में ही अपने व्हीकल को आप पार्क करें। एक और खुलासा जो मैं करना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जम्मूवासी इससे काफी कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो आजकल के लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ओपन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, यहां से आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लाइक OLX, उसका मिसयूज कैसे हो रहा है। धीरज सिंह की इंटरोगेशन में उसने बताया कि उसने काफी सारे व्हीकल्स जो हैं वो OLX के ऊपर बेचे हैं, तो चोरी करने के बाद OLX पे उस पर सेल किया गया है। दैट इन्वेस्टिगेशन, दैट पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, वी हैव टेकन अप द मैटर विद OLX ऑल्सो। अब ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस स्कूटी की, जिस मोटरसाइकिल बाइक की, जिस कार की RC उसके अंदर पड़ी है, इन्होंने उसको स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसी नाम का आधार कार्ड बना लिया फेक, और उस आधार कार्ड को यूज करके OLX के ऊपर उसको सस्ते दामों में बेच लिया। मेरी आपके सब व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली डोंट फॉल प्रे आर टू द ट्रैप ऑफ सच क्रिमिनल्स, जो आपको लालच देके कि अगर कोई गाड़ी 1 लाख रुपए की बाइक या स्कूटी है, जो 10 लाख रुपए की कार है, अगर वो आपको 5 लाख रुपए में सेल कर रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। खरीदने से पहले आप उसके क्रेडेंशियल्स, जो डिफरेंट अवेलेबल साइट्स हैं, वाहन करके एक एप्लीकेशन है, या RTO ऑफिस हो गया, या इवन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच है, इवन अवतार ऐप इज ऑल्सो अवेलेबल,
नाउ ऑन प्ले स्टोर ऑल्सो। ये जम्मू पुलिस का एक यूनिक इनिशिएटिव था, आप उसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है। इसके साथ साथ मैं जम्मू वासियों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी थेफ्ट होती है, आप उसको इमीजिएटली पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट कीजिए उसको, सो दैट इट कम्स टू अवर नॉलेज और हमारा डाटा बैंक जो है वो इमीजिएटली अपडेट हो जाए। अगर और कहीं कुछ नहीं होता तो आप 100 डायल करके PCR के ऊपर ये कंप्लेन लॉज करवा दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इन लास्ट 3 weeks दे वर एबल टू रिकवर अबाउट 20 व्हीकल्स वर्थ मोर देन 1.25 CR। जय हिंद, जय भारत। सर।